हमें नहीं लगता कि कोई इस प्रकार की बातें हुई है। सामान्य रूप से लोगों का मिलना जुलना था। दो दिनों से जो घटनाक्रम था वो सबके ध्यान में है और हमें लगता है कि अब राज्य के जो विकास के काम अवरुद्ध करने के प्रयास थे उसमें तेजी लाने के प्रयास जारी होंगे। हम सब सहयोगी होकर खड़े रहेंगे, हम सबको एकजुट रहना है, बस इतना। आपको लगता है जो षड्यंत्र चल रहा था क्या वो खत्म हो गया, रुक गया? देखिए खत्म तो नहीं कह सकते इसको, यह षड्यंत्र 2024 तक चलता रहेगा और ये एक दिन का षड्यंत्र और खड्यंत्र नहीं है। आपने देखा होगा कि 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी नीत की सरकार दिल्ली की सत्ता में बैठी है तब से यह खड्यंत्र प्रारंभ हुआ है भारतीय जनता पार्टी विरोधियों की सरकार के विरोध में। उसका एक हिस्सा झारखंड भी अभी है और ये खड्यंत्र जारी रहेगा, लेकिन हम सब एकजुट हैं। हमें नहीं लगता कि झारखंड में वो उनका षड्यंत्र सफल हो पाएगा। अभी आप लोग क्षेत्र लौट रहे हैं? बिल्कुल, सब लोग लौट रहे हैं अपने काम पर। कोई लौट रहे हैं, जिनको यहाँ काम है वो रहेंगे, तमाम जो सामान्य रूप से काम किया था उन कामों को। अभी ये बैठकों का दौर खत्म हो गया और सामने बैठकों का दौर राजनीति में कभी खत्म नहीं होता। राजनीति में बैठक, राजनीति में भाषण, राजनीति में मीटिंग, जनता से मिलना, ये तो उसका हिस्सा, ये कभी जीवन में समाप्त नहीं हो सकता। बैठक में खाना पूर्ति खाना होना खाए हम लोग, और क्या। अब हर चुनौतियों का मुकाबला हम लोग मजबूती के साथ करना है। पीडी की जो चुनौती है उसको किस तरह से आप लोगों ने लिया है आज के बैठक? कुछ नहीं, कुछ नहीं। देखिए झारखंड हमारा है और झारखंड बना है आदरणीय शिबू सोरेन जी की देन है, कांग्रेस पार्टी की देन है, हमारे पिताजी का भी त्याग है। अब उनके हेमंत जी को क्या कमी है, जो आरोप आपने लगा दिया 1000 करोड़ केवल सरकार की छवि खराब करने का एक बहुत बड़ा प्रयास था। और हमें लगता है कि अनुमानित पे आप केस नहीं कर सकते, आप नहीं बुला सकते, लेकिन चलिए ईडी ने बुलाया है तो इसका जवाब मुख्यमंत्री जी देंगे, मजबूती के साथ देंगे हम लोग। चलिए अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।